गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। फर्स्ट पार्ट में आप लोगों ने देखा कि अर्थक्वेक क्या होता है, एंड इन सेकेंड पार्ट वी विल सी व्हाट इज फ्लड एंड ड्रॉट। आप लोगों ने कभी मैप देखा है? मैप यानी कि नक्शा, है ना। मैप में आप लोगों ने देखा होगा ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ, और हमारे राइट में ईस्ट और लेफ्ट में वेस्ट होता है। तो अगर आपने केयरफुली देखा होगा तो आप लोगों ने ये ध्यान दिया होगा कि हमारे जो इंडिया में बहुत सारे रिवर्स है, और ज़्यादातर रिवर्स कहाँ पर है? नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। तो जहाँ पर रिवर है यानी कि वहाँ पर फ्लड भी आते होंगे, फ्लड यानी कि बाढ़। और इंडिया में ऐसे कई सारे जगह है जहाँ पर रिवर ही नहीं है, तो वहाँ पर क्या होता है? ड्रॉट यानी कि अकाल। वहाँ पर पानी ही नहीं है, लोग पानी के लिए प्रे करते हैं भगवान से कि यहाँ पानी तो गिरे। ओके, नाउ वी विल रीड द लेसन 20 अनफ्रेंडली नेचर पार्ट 2, और इस पार्ट 2 में हम ड्रॉट और फ्लड के बारे में पढ़ेंगे। June 7, 2002, इंडियन फ्ली मानसून फ्लड्स, पार्ट्स ऑफ असम एंड द नेबरिंग स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश रिमेन कट ऑफ फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री एज फ्लडिंग वाटर्स हैव डिस्ट्रॉयड ट्रांसपोर्ट लिंक्स। फ्लड अफेक्ट नॉर्थ ईस्ट इंडिया एवरी ईयर। In August 2000, floods killed 100 people and left 70,000 people homeless in Assam alone. तो जब 2002 जून में जब बाढ़ आई थी, तो असम के कुछ पार्ट और नेबरिंग स्टेट अरुणाचल प्रदेश जो था, ये रेस्ट ऑफ द कंट्री से, मतलब भारत के हिस्से से ये कट चुका था। As flooding waters destroyed transport link, क्योंकि वहाँ जो नदियों को जोड़ने वाली जो लिंक्स थे, ट्रांसपोर्ट लिंक थे, वो डिस्ट्रॉय हो चुके थे, पूरी तरह बर्बाद हो चुके थे। फ्लड अफेक्ट नॉर्थ इन इंडिया एवरी ईयर, और ये जो फ्लड है, ये जो बाढ़ है, ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया को हर साल ये प्रभावित करती है। इन अगस्त 2000, इसी तरह अगस्त 2000 में फ्लड से लगभग 100 लोग मारे गए थे, और 70,000 पीपल जो थे ये होमलेस हो गए थे केवल असम में अकेले। अ फ्लड ओकर्स वेन वाटर फ्लोज और राइज अबाउट इट्स नॉर्मल लेवल। इट कैन बी कॉज्ड बाई हैवी रेनफॉल, हाई टाइड विथ अ स्टॉर्म और मेल्टिंग स्नो फ्लोइंग इन टू द रिवर। द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र रिवर्स कॉज द लार्जेस्ट फ्लड इन इंडिया। कॉज यानी होता है कारण, ओके। और ये जो फ्लड है ये क्यों होता है? जब वाटर लेवल नॉर्मल से हाई हो जाता है, राइज कर जाता है या फ्लो होता है, तब ये फ्लड की सिचुएशन आती है। और इसका कारण क्या हो सकता है फ्लड का? हेवी रेनफॉल यानी भारी वर्षा, हाई टाइड यानी जब ज्वार भाटा आता है तूफान के साथ में, या जब स्नो मेल्ट होते हैं, जो पहाड़ों पर जो बर्फ़ है वो जब पिघल करके वो नदियों में आती है, रिवर्स में आती है, तो भी फ्लड की सिचुएशन हो जाती है। और जो हमारे देश की जो बड़ी नदियाँ हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये जो दोनों जो नदियाँ हैं, दोनों जो रिवर्स है, ये हमारे इंडिया में लार्जेस्ट फ्लड का कारण बनती है। Other areas in the west, east and south are also affected by flood. Flood are the result of soil erosion, the silting of riverbeds or collapse of dam. इसके अलावा west, east और south में भी flood से लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। और ये जो flood का कारण क्या है? Soil erosion यानी कि भूक्षरण। भूक्षरण यानी कि जैसे आप लोगों ने घर में गार्डनिंग करते समय देखा होगा कि जब एक ही जगह पर पानी डालते हैं पौधों में, तो वहाँ की मिट्टी हटने लगती है, वहाँ का जो सॉइल है अपने प्लेस से वो हटने लगती है। तो यही हमारे नेचर में बहुत बड़े लेवल पर होता है, तो यही कहलाता है सॉइल इरोशन। सिल्टिंग ऑफ रिवर बेड्स, तो ये जो सॉइल जो है ये पानी से बह करके कहाँ जा रही है? रिवर्स में आ रही है। जब हैवी रेन होता है तो मिट्टी कटने लगती है, और ये सॉइल जो है ये बहते हुए नदियों में चली जाती है, और रिवर्स में ये बेड की तरह लेयर बनाती चली जाती है। और एक और है कोलैप्स ऑफ डैम। जब डैम टूटते हैं तो पानी अचानक ही बहने लगता है, और वो कहाँ चली जाती है? पानी बह के रिवर्स में। तो ये जो कारण है ये फ्लड की सिचुएशन को क्रिएट करते हैं। ओके, व्हाट शुड यू डू इफ़ हैवी रेन्स कॉज फ्लड इन योर एरिया? अगर हैवी रेन से अगर आपके एरिया में कभी फ्लड आ जाए तो आपको क्या करना चाहिए, या आप क्या करते हैं? लेट्स सी, आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए? नो द रूट टू द नियरेस्ट सेफ शेल्टर। इस दौरान आपको सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आपके घर के पास सबसे नज़दीक का शेल्टर कौन सा है, जहाँ जाकर आपने अपने को
जहाँ जाकर आप अपने आप को सेफ रख सकते हैं। नेक्स्ट है कीप मेडिसिन स्ट्रॉन्ग रोप्स रेडियो टॉर्च बैटरीज, और इस दौरान आपको अपने पास में कुछ मेडिसिन रखनी है, स्ट्रॉन्ग रोप, क्योंकि भारी बारिश की वजह से रोड भी डिस्कनेक्ट हो जाते हैं एक दूसरे से, तो आप यहाँ से वहाँ क्रॉस करने के लिए एक रोप रखिए ताकि आप रोप को पकड़ के यहाँ से वहाँ जा सके। रेडियो टॉर्च भी रखें अपने साथ में। स्टोर क्लॉथ्स, ड्राई फूड, फ्रेश वाटर, केरोसिन, कैंडल्स एंड मैच बॉक्स इन द पॉलीथीन बैग इन अ किट। आपको एक किट में सारी चीज़ें रखनी है जिसमें कुछ गर्म कपड़े हो, ओके, ड्राई फूड हो जो कुछ दिन तक आपके पास रह सके, फ्रेश वाटर हो पानी पीने लायक हो, केरोसिन जिसको मिट्टी का तेल भी कहते हैं, कैंडल्स क्योंकि भारी बारिश की वजह से करंट भी चली जाती है, डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो आपको उजाले के लिए कैंडल्स रखना है, मैच बॉक्स रखना है, ओके। आगे देखते हैं, लिसन टू द लोकल रेडियो एंड वॉच टीवी फॉर वार्निंग, और इस दौरान क्या होता है, लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू टीम भी काम करती है, तो वो समय समय पर लोकल रेडियो में वार्निंग्स भी देते रहते हैं कि आपको कहाँ जाना है, किधर नहीं जाना है, क्या करना है, तो इसको भी आप ध्यान से सुनते रहिए। और लास्ट है ड्रिंक बॉइल्ड वाटर, इस दौरान जो अंडरग्राउंड पाइप्स होते हैं वो भी लीक हो जाते हैं, तो इस दौरान आपको बॉइल करके पानी पीना चाहिए, ओके। अब हम देखते हैं कि इस दौरान हमको क्या नहीं करना चाहिए। डोंट ईट फूड दैट हैज़ गॉट वेट इन फ्लड वाटर, डू नॉट रिमेन एन एम्प्टी स्टमक, डू नॉट गेट इन टू वाटर ऑफ अननोन डेप्थ एंड करेंट, डू नॉट ड्रिंक टैप वाटर विदाउट बॉइलिंग। एम्प्टी यानी होता है खाली, ओके बच्चों। तो आपको इस दौरान क्या नहीं करना चाहिए, तो सबसे पहला चीज़ क्या नहीं करना चाहिए कि जो चीज़ें खाने की चीज़ें बारिश में भीग चुकी है, वाटर फ्लड वाटर भीग चुकी है, उसको बिल्कुल भी ना खाए और खाली पेट बिल्कुल भी ना रहे। आपके घर में जो भी अवेलेबल है इस दौरान फ्लड ड्यूरिंग फ्लड, आपके घर में जो भी अवेलेबल है वो चीज़ आप ले सकते हैं, लेकिन जो भीग चुकी है उसको छोड़ करके। डू नॉट गेट इन टू वाटर ऑफ अननोन डेप्थ एंड करेंट, आप ऐसी अनजान जगह पर ना जाए क्योंकि आपको ये नहीं पता कि पानी भरा है तो गहराई कितनी है, डेप्थ कितनी है, और इस दौरान क्या होता है कई इलेक्ट्रिक पोल्स गिर जाते हैं तो उसमें करंट भी आने का डर रहता है, तो आप इन चीज़ों से दूर रहें। डू नॉट ड्रिंक टैप वाटर विदाउट बॉइलिंग, और बिना बॉयल किए हुए नल का पानी ना पिए, ओके। ये तो थी अब फ्लड के बारे में बातें। अब हम देखते हैं कि कुछ हमारे इंडिया में कुछ प्लेसेस ऐसे भी हैं, स्टेट ऐसे भी हैं जहाँ पर बिल्कुल भी रेन होता ही नहीं है, तो वहाँ सिचुएशन आती है अकाल या सूखे की, जिसको हम कहते हैं ड्रॉट। ड्रॉट इफेक्ट, 26 नवंबर 2000, एवरी ईयर विलेजेस नियर बीकानेर इन राजस्थान स्पेंड द पीरियड बिटवीन जुलाई एंड सेप्टेम्बर इन वेटिंग एंड प्रेइंग फॉर रेन्स। The villagers don't have money to buy even food. The drought directly or indirectly affects all people. Drought यानी से मैंने बताया आपको सूखा या अकाल। ये जो बातें हैं आर्टिकल जो पढ़ रहे हैं ये है 2000 की है, 26 नवंबर। तो एवरी ईयर हर साल क्या होता है, जो बीकानेर और राजस्थान के जो लोग हैं वहाँ के गांव के लोग हैं, ये जुलाई और सितंबर का जो मंथ है ये भगवान से प्रार्थना करते हैं और इंतज़ार करने में गुजारते हैं कि हमारे यहाँ भी बारिश हो। द विलेजर्स डोंट हैव मनी टू बाई इवन फूड, और उन लोगों के पास, विलेजर्स के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो इस दौरान फूड खरीद के खा सके, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो ड्रॉट जो है वो वहाँ के पीपल को प्रभावित करते हैं। ड्रॉट हैपन्स वेन ए एरिया रिसीव्स लेसर रेनफॉल देन नॉर्मल लेवल्स, इट इज़ अ कंडीशन ऑफ एक्यूट स्कर्सिटी ऑफ वाटर, फूड, फॉडर एंड एम्प्लॉयमेंट। द सीरियस रिजल्ट्स ऑफ ड्रॉट आर क्रॉप फेलियर एंड लैक ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। तो यहाँ कुछ न्यू वर्ड्स देख लेते हैं। एक्यूट यानी होता है तीव्र, स्कार्सिटी यानी कमी, फॉर्डर यानी पशु चारा, एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार। तो ड्रॉट कब होता है, जब उस एरिया में पानी नॉर्मल लेवल से कम गिरता है, और इस कंडीशन में क्या प्रॉब्लम आती है, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पानी की कमी होती है, फूड की कमी होती है, पशु चारे की कमी हो जाती है, यहाँ तक कि रोजगार भी नहीं मिलते। एंड और इस ड्रॉट का रिजल्ट क्या होता है, वहाँ पर जो क्रॉप्स हैं, जो फसलें लगाई जाती है वो भी नहीं हो पाती और पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। वॉट कैन यू डू टू फाइट सीरियस रिजल्ट ऑफ ड्रॉट, आप क्या करेंगे ड्रॉट के रिजल्ट से लड़ने के लिए, आपको क्या करना है। ग्रो प्लांट्स एंड केयर फॉर देम, प्रोटेक्ट एंड रिस्टोर डिग्रेडेड लैंड, कलेक्ट एंड स्टोर रेन वाटर। रिस्टोर यानी होता है पुनः प्राप्त करना।
तो बच्चों ड्रॉट की स्थिति कब आती है, ड्रॉट की सिचुएशन कब आती है, जब वहां पर नॉर्मल लेवल से रेनफॉल कम होता है। तो रेनफॉल कब रेस कर सकते हैं, जब हम प्लांटेशन अधिक से अधिक करेंगे। तो ग्रो प्लांट एंड केयर फॉर देम, प्लांट आप लगाइए और उसकी केयर भी कीजिए। प्रोटेक्ट एंड रेस्टोर ग्रेडेड लैंड, जो लैंड हमको, जो हमारे जो अर्थ में जो लैंड है उसको हमको बचा के रखना है। कलेक्ट एंड स्टोर रेन वाटर, आप लोग आजकल देखते होंगे कि सभी घर में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लागू किया गया है, इसके बिना नक्शा पास नहीं होता है। तो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम क्या होता है, ये घरों की छत से नीचे ज़मीन तक लगा होता है, जो बरसात के पानी को, जो रेन वाटर है उसको कलेक्ट करके वो डायरेक्ट अंडरग्राउंड में वो लेके चला जाता है। तो ये सारी चीज़ों के द्वारा हम वाटर लेवल को इंक्रीज कर सकते हैं। अब देखते हैं कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। डोंट मिसयूज और वेस्ट वाटर, डोंट डिस्ट्रॉय फॉरेस्ट ऑर्चर्ड्स एंड ट्रीज, डोंट लेट डोमेस्टिक एनिमल ओवर ग्रेज। ऑर्चर्ड यानी होता है चारागाह, ग्रेज यानी होता है चरना। तो हमको क्या नहीं करना चाहिए, वो है हमको पानी का मिसयूज या उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। और हमको, हम क्या कर रहे हैं, फर्नीचर के लिए या हाउस बनाने के लिए, हम अपने फायदे के लिए हम फॉरेस्ट को ख़त्म करते जा रहे हैं, और पास्चर्स एंड ट्रीज ये भी हम ख़त्म करते जा रहे हैं, ट्री काटते जा रहे हैं। डोंट लेट डोमेस्टिक एनिमल ओवर ग्रेज, अब क्या करते हैं, जहाँ पर अपने एनिमल्स को ग्रेज करने के लिए छोड़ देते हैं, तो ओवर ग्रेजिंग से क्या होता है, वहाँ पर की जो मिट्टी है, वहाँ पर का जो सॉइल है वो इनफर्टाइल होते जाते हैं, फिर वहाँ पर क्रॉप नहीं लगते हैं। तो हमको इससे भी बचना है। तो आप लोगों ने देखा ना कि हमारे इंडिया में ड्रॉट भी आते हैं, फ्लड भी आते हैं, ठीक है, अर्थक्वेक भी आते हैं, तो इनसे कैसे बचना है और इस दौरान हमको क्या नहीं करना चाहिए, ये सब के बारे में आप लोगों ने देखा। चलिए कुछ क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन वन है, व्हेन डज फ्लड ऑकर, फ्लड कब आते हैं। करेक्ट आंसर इज अ फ्लड ऑकर्स व्हेन वाटर फ्लोज और राइजेस अबव इट्स नॉर्मल लेवल। फ्लड तब आते हैं, बाढ़ तब आती है जब पानी जो है वो नॉर्मल लेवल से ऊपर चला जाता है। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द सीरियस रिजल्ट्स ऑफ ड्रॉट, ड्रॉट के सीरियस रिजल्ट्स क्या होते। द सीरियस रिजल्ट्स ऑफ ड्रॉट आर क्रॉप फेलियर एंड लैक ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। ड्रॉट के बाद क्या हो जाता है, जो क्रॉप तो पूरी तरह नष्ट हो जाते हैं और पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। आपको बताना है कि जो सेंटेंस है ये ट्रू है या फॉल्स है। ओके, फर्स्ट है, वी शुड बेंड डाउन अंडर कॉट्स एंड डेस्क ड्यूरिंग फ्लड, फ्लड के दौरान हमको कॉट या डेस्क के नीचे छुप जाना चाहिए। फॉल्स है। ओके, ईटिंग फूड दैट हैज़ गॉट वेट इन फ्लड वाटर इज हार्मफुल, यस ट्रू। नेक्स्ट है, द लोकल रेडियो वॉर्न्स अस अबाउट अर्थक्वेक एंड फ्लड, लोकल रेडियो हमको फ्लड और अर्थक्वेक के बारे में चेतावनी देते रहते हैं, यस ट्रू। नेक्स्ट, पीपल इन बीकानेर ऑलवेज एंजॉय रेन्स, फॉल्स। द विलेजर्स बिकम पुअर एंड अनएम्प्लॉयड ड्यू टू ड्रॉट, यस करेक्ट ट्रू। नाउ कम टू वोकैबुलरी सेक्शन, सेलेक्ट द वर्ड मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू द मेन वर्ड, आपको बताना है एक वर्ड है मेन वर्ड, उससे सबसे ज़्यादा क्लोज रिलेटेड वर्ड कौन सा है। तो फर्स्ट है सॉइल इरोजन, तो उसके लिए वर्ड्स है फुटबॉल, एम्प्लॉयमेंट, फ्लड, ड्रिंकिंग वाटर। यस करेक्ट आंसर इज फ्लड। नेक्स्ट है ड्रॉट, ड्रॉट के लिए वर्ड्स है बैंक, वाटर, हैप्पीनेस, मेडिसिन। यस ड्रॉट जो है वो वाटर से रिलेटेड है। नाउ कम टू होमवर्क, आप लोगों ने देखा कि कैसे क्या करना है, अब आपके लिए एक होमवर्क है। आप लोगों ने हिस्ट्री में या फिर ज्योग्राफी में मैप देखना सीखे होंगे, तो यही आपको मैप जो देखे हैं उसको यहाँ पर भी जानकारी आपको इकट्ठी करनी है। ओके, लुक एट द मैप केयरफुली एंड राइट द कार्ड्स, आपको मैप जो है वो केयरफुली देखना है और जो नीचे कार्ड्स दिए गए हैं उसके बारे में आपको लिखना है। तो फर्स्ट है, द स्टेट्स वेयर देयर इज़ अ डेंजर ऑफ अर्थक्वेक, जहाँ अर्थक्वेक का खतरा बना रहता है उस स्टेट्स को आपको मैप में ढूंढना है और लिखना है। सेकेंड है, द स्टेट्स जनरली अफेक्टेड बाई फ्लड। थर्ड है, द रिवर्स दैट जनरली कॉज फ्लड्स। नेक्स्ट है, द स्टेट्स दैट फेस ड्रॉट्स। फिफ्थ वन, स्टेट्स दैट आर लाइकली टू फेस ड्रॉट एंड फ्लड बोथ। लास्ट वन इज स्टेट्स वेयर अर्थक्वेक एंड फ्लड बोथ कैन हैपन। ओके बच्चों, तो आपका ये होमवर्क खत्म होता है, ये आपका लेसन खत्म होता है। आप लोगों ने देखा कि हमारा जो नेचर है हमारे फ्रेंड की तरह है, लेकिन वो अनफ्रेंडली बिहेव भी करती है, कब करती है, क्यों करती है, और इस दौरान हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हमारा लेसन यहीं पर ख़त्म होता है। ओके, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप लर्निंग, थैंक यू।